एमपी में दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 153 फॉर्म आए, आज होगी जांच। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल पर चुनाव होना है। इसके लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे, 5 अप्रैल तक जांच और नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकेगी। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 6 सीट के लिए 113 उम्मीदवार ने 153 नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को आखिरी दिन 64 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन दाखिल किए। इन्हें मिलाकर कुल 113 प्रत्याशियों ने 153 फॉर्म भरे हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नाम वापस ली जा सकेंगे। वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण की सभी सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। सीधे लोकसभा सीट पर कुल 22 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। आखिरी दिन 13 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। बुधवार को जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरे उसमें रामविलास कोल, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, राम सहाय साहू, आपका गणतंत्र पार्टी और तारा सिंह जन संचार पार्टी से हैं। इसके अलावा राम अवतार, श्यामलाल, विश्वकर्मा, दशरथ प्रसाद बैस, कैलाश प्रसाद वर्मा, भगवान प्रसाद तिवारी, महेंद्र भैया दीक्षित, दद्दी यादव, रामचंद्र कोल व छाया साकेत ने निर्दलीय रूप में फॉर्म जमा किया। बीजेपी के बागी अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना गणतंतर पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पुनः फॉर्म भरा। बालाघाट 10 फॉर्म भरे, कुल 19 नामांकन। बालाघाट में 10 नामांकन भरे गए, कुल 19 फॉर्म जमा किए गए हैं। बुधवार को कांग्रेस विधायक के पति कंकर मुंजारी ने बसपा से पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा पूर्व में नामांकन भर चुके बीजेपी के भारतीय पार्टी और कांग्रेस के सम्राट सिंह सरस्वार ने भी नामांकन भरा है। मंडला 7 कैंडिडेट ने भरा पर्चा। आखिरी दिन बुधवार को मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए 7 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इसमें अशोक कुमार सरैया व सितार मरकाम निर्दलीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, महेश कुमार बट्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, चंद्र सिंह कुशराम राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से, रीता मरकाम बहुजन मुक्ति पार्टी से, कलियाबाई कोकोडिया और भारत आदिवासी पार्टी से चरण सिंह ने पर्चा भरा है। मंडला क्षेत्र के लिए कुल 16 अभ्यर्थियों द्वारा 18 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। इसमें बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के 3 नामांकन शामिल हैं। शेड्यूल में आखिरी दिन 6 पर्चा दाखिल। शेड्यूल लोकसभा क्षेत्र के लिए आखिरी दिन 6 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। इसमें कांग्रेस से पुंजीलाल मारको, भाजपा से हिमाते सिंह, बहुजन समाज पार्टी से धनीराम कोल, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी से दुर्गा भरिया, निर्दलीय केशकली बेगा और गुंजान शामिल हैं। यहां कुल 14 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।